लेकर कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक किया गया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, मॉर्निंग में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है आप लोगों के लिए। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, बड़ी अपडेट आ रही है वन रक्षक के पेपर को लेकर। जी हाँ, वन रक्षक का पेपर हुआ है लीक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें और कौन सा पेपर लीक हुआ है, क्या वह आपको वीडियो में आगे देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, रद्द, अब पेपर आपका रद्द किया गया है और 10 लाख में पेपर बिका था। जी हाँ दोस्तों, और कैसे हुआ था लीक आपको इस वीडियो में आगे सब कुछ बताएंगे। और कौन से तारीख को पेपर लीक हुआ था, 11, 12, 13 कौन से तारीख को पेपर लीक हुआ था, सब आपको इस वीडियो में आगे जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और 10 लाख में पेपर बिका था, इसके पीछे क्या सच्ची है ये भी आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो आपका वन रक्षक का पेपर हुआ था वो लीक हो चुका है। जी आप लोगों को बता दें कौन से पारी का हुआ था, आपको बताने वाले हैं। दोस्तों पहले बता दें क्या हुआ था आखिर मामला। आपको बता दें कि जो आपका वन रक्षक का पेपर हुआ था जो 12 तारीख को, जी हाँ बता आपको 12 तारीख को सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था वो लीक हुआ है। जी हाँ, अब वो पेपर आपका रद्द होगा। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, कंफर्म न्यूज़ आ चुकी है, वो रद्द होगा। आरोपी बिजली विभाग में करता है नौकरी। जी हाँ, देख सकते हैं इसने पेपर लीक किया था, उसका मामला आप देख सकते हैं। जानकारी के अनुसार करौली निवासी दीपक शर्मा उदयपुर में बिजली निगम में नौकरी करता है, जिसे रेल मगरा थाना पुलिस ने पकड़ा है। देख सकते हैं उसने जिन जिन का पेपर भेजने की बात कही वही संबंधित पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। संदिग्ध परीक्षा हेमराज मीणा लालसोट के गांव अजयपुरा का निवासी, उसने जयपुर में किराए से रहकर प्रतियोगी परीक्षा चाहती हूँ। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, कंफर्म न्यूज़ आ चुकी है, आपका 12 तारीख का सेकंड पारी का पेपर लीक हो। अब दोबारा होगा या नहीं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, जो भी अपडेट आएगा, अपडेट आते ही हम आपको सबसे पहले शेयर करेंगे।